दोस्तों एक और मशीन है कुबोटा इंजन के साथ में आने वाली एक और मशीन है जिसको कि बॉबकैट कंपनी ने यहां पर लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं मेरे सामने की साइड में, जिसके ऑपरेटिंग वेट आपको मिलता है 2839 केजी के आसपास का, और इसके तमाम सारी स्पेसिफिकेशन डिटेल आप यहां पर पढ़ सकते हैं मेरे सामने बोर्ड के ऊपर। और मशीन के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी मशीन दोस्तों जो है आप जो है गली मोहल्ले में आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप पाइपिंग वगैरह का काम करते हैं, कोई केबल वगैरह आपको बिछानी है, उसके लिए आपको खुदाई उदाई करनी है, तो आपको यहाँ पर जो है छोटा सा इसके अंदर जो है ये बकेट दिया जाता है, जिससे कि आप इसको सकड़े से सकड़े रास्ते के अंदर गली मोहल्ले के अंदर आसानी से ऑपरेट करके और जो है इसका यूज कर सकते हैं। और ये मशीन जो है दोस्तों गवर्नमेंट के कई सेक्टर हैं उनके अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइवर के कंफर्ट के लिए सारे ही सारे जो फंक्शन है, सारे ही ऑपरेटिंग लीवर है ड्राइवर की अप्रोच में यहाँ पर दिए गए हैं, आप देखेंगे इस बार से तो। और ड्राइवर की सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, जिसको आगे पीछे रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिस्प्ले दिया गया है जिसके अंदर आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन गाड़ी चलाने के दौरान शो होती रहती हैं। सारे कंट्रोल स्विचेज यहाँ पर दिए गए हैं ड्राइवर के पास में, और यहाँ पर इस साइड में आपको डीजल फिल करने का इसके अंदर जो है ऑप्शन दिया गया है। E27 के नाम से ये जो मशीन है यहाँ पर इसको शोकेस किया गया है। इसके अंदर भी आपको नीचे चलने के लिए चैन सिस्टम दिया गया है, और पीछे की साइड से अगर आप देखते हैं तो बॉबकैट की आपको यहाँ पर जो है ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। बॉबकैट यानी कि एक जो है आप देखेंगे कैट मतलब जो बिल्ली है उसका यहाँ पर जो है साइन इसके पीछे की साइड में दिया गया है। और इंजन का फिटमेंट जो है पूरा का पूरा ड्राइवर सीट के नीचे की साइड में यहाँ पर इस कंपार्टमेंट के अंदर इंजन का जो है फिटमेंट यहाँ पर किया गया है। तो ये मशीन का एक ओवरव्यू था, काफ़ी अच्छी मशीन है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हमने इसकी जो E30 जो वेरिएंट आता है उसका भी रिव्यू आपके लिए दिया है, आप देख सकते हैं। ये E30 है, ये E27 है, और इन्हीं के पास में एक मशीन और है E20 के नाम से, जो कि कम बजट की एक मशीन है जिसको कि आप डिगिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप बकेट वगैरह भी लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये तीनों ही मशीनें हैं यहाँ पर अलग अलग कैपेसिटी के, अलग अलग यूजेज के लिए जो है आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों ही मशीन को आप देखेंगे तो एक सबसे छोटी है E20, E27 उससे बड़ा है, और E30 उससे भी बड़ा है। तीनों ही मशीनें आपको यहाँ पर शोकेस होती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा जानकारी था, यहाँ पर बारिश काफ़ी हो रही है लेकिन फिर भी हमने आपको एक छोटी सी जानकारी के अंदर इन मशीन की जो ओवरव्यू है वो दे दी है, किस तरह का आपको यहाँ पर सेटिंग मिलेगा, किस तरह का यहाँ पर ऑपरेटिंग आपको मिलता है देखने के लिए। और इस मशीन का जो पीछे की साइड में इंजन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये इंजन पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट इंजन जो है इसका दिखाई दे रहा है पीछे की साइड में। ये इसका विंडो है, इससे आप बंद कर सकते हैं, और इसके अंदर साउंड वगैरह नहीं आए, वाइब्रेशन नहीं रहे, तो NVH लेवल को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का जो है यहाँ पर बॉबकैट कंपनी के द्वारा यूज किया गया है इन मशीन्स के निर्माण में। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।